हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। मैं हूं इरफान। तो दोस्तों, बहुत दिनों से कमेंट बॉक्स में आप में से बहुत लोग जो है कमेंट कर रहे थे कि सर सिंगल बटन यानी एक बटन का कोट कटिंग करना बताइए। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को नॉच लेपल सिंगल बटन यानी कि सिंगल ब्रेस्ट एक बटन का कोट कटिंग करना इस वीडियो में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इसका मेजरमेंट है लंबाई 30 इंच, शोल्डर 18 इंच, सीना 38 इंच, पेट 35 इंच, हिप 39 इंच, कॉलर है 15.5 इंच, स्लीव लेंथ है 25 इंच और स्लीव का विड्थ है 10 इंच। इस मेजरमेंट का हम लोग इस वीडियो में एक नॉच लेपल सिंगल बटन का कोट कटिंग करेंगे। सिंगल ब्रेस्ट वन बटन कोट इस वीडियो में कटिंग करना हम लोग सीख रहे हैं। कपड़ा लिया है मैंने 190 और सबसे पहले क्या करना है, यहाँ ऊपर से एक इंच का कपड़ा छोड़कर इस मार्क को स्ट्रेट कर लेना है। और इस वाले मार्क में मेजरमेंट टेप को ऐसे रखना है। आर्म होल डाउन करेंगे हम तो सीना है 38 इंच, आर्म होल डाउन करेंगे 9.5 इंच। यहां से 1.5 इंच ऊपर एक मार्क लगाएंगे बैक कट करने के लिए। लंबाई है इसका 30 इंच तो 30 इंच पे मार्क लगाएंगे। और यहां से बॉटम में मार्जिंग रखेंगे 1.25 इंच। आप ये मार्जिंग कम और ज्यादा अपने हिसाब से कर सकते हो, मैं यहाँ बॉटम में मार्जिंग रख रहा हूँ 1.25 इंच। अब दोस्तों हम स्टमक डाउन करेंगे तो लंबाई है 30 इंच, 30 का आधा करेंगे हाफ करेंगे तो होता है 15 इंच और इसमें 2 से 2.5 इंच प्लस करके मार्क लगाना है। तो 15 है, इसमें हम 2.5 इंच प्लस करेंगे तो ये होगा 17.5 इंच, 17.5 इंच। 2 इंच प्लस करके 17 इंच पे भी हम स्टमक डाउन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से 2.5 इंच प्लस कर लेना है लंबाई का हाफ करके। अब इस वाले मार्क को स्ट्रेट कर लेना है। अब दोस्तों यहां से मार्क लगाना है 1 इंच, यहां मार्क लगाएंगे 1.5 इंच और यहां मार्क लगाना है 2 इंच और यहां भी मार्क लगाना है 2 इंच। अब इस वाले मार्क को स्ट्रेट कर लेना है और इसको शेप स्केल से ऐसे शेप करना है, स्केल को पलट के और फिर यहां शेप करना है। अब यहां से जितना भी नेक है उसको 5 से डिवाइड करके मार्क लगाना है। तो कॉलर है 15.5 इंच, 15.5 का पांचवा हिस्सा यहां से लगाएंगे हम, तो यहां से हम लगा रहे हैं 3 इंच। कॉलर 15.5 है, यहां से पांचवा हिस्सा लगा लेना है और यहां से 1 इंच ऊपर उठाना है और यहां से दोस्तों 2 सूत डाउन कर देना है। यहां से शोल्डर का मार्क लगाएंगे तो शोल्डर है 18 इंच, 18 का आधा करेंगे 9 इंच और आधा इंच सिलाई के लिए मार्जिन 9.5 इंच। अब यहां हम शोल्डर डाउन करेंगे तो यहां हमने 1 इंच ऊपर उठाया है, यहां भी 1 इंच ऐसे रखेंगे और शोल्डर डाउन करेंगे 2 इंच। अब दोस्तों ये वाला जो स्ट्रेट मार्क है सीधा वाला मार्क, तो यहां से इसको मेजरमेंट कर लेना है और ये जितना है उतना ही बिल्कुल स्ट्रेट यहां रखना है, बिल्कुल सीधा। और क्रॉस बैग हम माइनस कर देंगे 1 इंच, 38 सीना में 1 इंच क्रॉस बैग माइनस। अब इसको यहां से आधा इंच सिलाई का मार्जिन ऊपर से छोड़ के इसको हाफ कर लेना है, ऐसे 20 सेंटर लगा लेना है इसका, ये सेंटर का मार्क हो जाएगा। और अब यहां से आधा इंच मार्जिंग रखना है। अब यहां दोस्तों स्टमक को 6 से डिवाइड करके हाफ इंच स्टिचिंग के लिए मार्जिंग ऐड करना है। तो पेट है इसका 35 इंच, 35 का छठा हिस्सा करना है और आधा इंच सिलाई के लिए मार्जिंग ऐड करना है।
तो पेट का छठा हिस्सा करेंगे तो ये होगा 6 इंच में एक सूत कम, तो यहाँ मैं 6 इंच में एक सूत कम लगा देता हूँ और यहाँ से आधा इंच सिलाई के लिए मार्जिन, पेट का छठा हिस्सा करके यहाँ से आधा इंच सिलाई के लिए मार्जिन ऐड कर लेना है। अब ये जितना है उतना ही यहाँ ऐसे मार्क लगाना है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ से 1/4 इंच 3/4 प्लस कर लेना है। हिप और पेट में 4 इंच का डिस्टेंस है 4 इंच का, तो यहाँ से 1/4 इंच प्लस कर लेना है। और अब यहाँ से दोस्तों हम वेंट का मार्क लगाएंगे चाक बनाने के लिए, तो यहाँ से हम ओपन रखेंगे 7 इंच 7 इंच, आप ये 7.5 इंच 8 इंच तक रख सकते हो, मैं 7 इंच का इसमें वेंट बना रहा हूँ। यहाँ से मार्जिन रखेंगे 1/2 इंच, और यहाँ से 1 इंच का हम मार्जिन रख लेंगे, तो ये 1 इंच मार्जिन हो गया। तो बैक का मार्क हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है, इसको हम कटिंग करेंगे। लेकिन कटिंग करने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, यह है प्रिंस कोट का पैटर्न और यह है टक्सीडो सॉल कॉलर का पैटर्न और यह है डबल ब्रेस्ट पीक लेपल जिसको डीबी लेपल भी बोलते हैं और यह है दोस्तों सिंगल ब्रेस्ट 2 बटन SB2 बटन और यह है हाई नेक कोट का फ्रंट। तो दोस्तों ये पैटर्न मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि अगर आपको कोट का पैटर्न परचेस करना है, कोट का पैटर्न अगर आपको मेरा पैटर्न आपको ख़रीदना है तो मैं सेल कर रहा हूँ, आप ख़रीद सकते हो अपने कारखाने के लिए या फैक्ट्री के लिए मंगा सकते हो। ये जो व्हाट्सअप नंबर है 7975798748, इस नंबर पर आपको कॉल करना है या फिर व्हाट्सअप के जरिए मैसेज करके इस पैटर्न को बुक करना है। इसके अलावा दोस्तों आप पैंट शर्ट वेस्टकोट बंडी शेरवानी सभी चीज़ का पैटर्न, जो भी आपको पैटर्न चाहिए वो पैटर्न आपको इस चैनल पर मिलेगा, उसको आप खरीद सकते हो परचेस कर सकते हो। तो ये जो व्हाट्सअप नंबर है इस व्हाट्सअप नंबर पर आपको मैसेज करके पूरा डिटेल जान लेना है और ख़रीद लेना है परचेस कर लेना है। अब हम इसको कट करेंगे। अब हम फ्रंट कटिंग करेंगे, तो फ्रंट कटिंग करने के लिए यहाँ नीचे से कटिंग करना है। नीचे से मतलब यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ, देखो यहाँ नीचे से जो है कम से कम 1 इंच कपड़ा आप ऐसे 1 इंच ऐसे छोड़कर और इसको इस वाले मार्क में यहाँ 1 इंच कपड़ा आप छोड़कर नीचे से ऐसे रख लेना है, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट रखना है सीधा, यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहिए, बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। और अब दोस्तों एक तरीका तो मैंने बताया हुआ है कि आप इसको मेजरमेंट टेप से जो हमने ये मार्क लगाया है जितना पे लगाया है उतना ही पे मार्क लगा सकते हो। और दूसरा तरीका है देखो, तो इस मार्क को स्ट्रेट कर लेना है, ये वाला मार्क जो है इसमें स्केल को ऐसे रखना है और इस मार्क को ऐसे स्ट्रेट कर लो सीधा और फिर ये सभी मार्क जो है आप स्ट्रेट कर लो। यहाँ जो मार्जिंग है वो मार्जिंग अभी हमने नहीं लगाया है, तो मार्जिंग का मार्क नहीं लगाना है, सिर्फ यहाँ से लंबाई का मार्क से लेकर ये पूरा मार्क जो है सभी मार्क आपको ऐसे लगा लेना है। और यहाँ से 1 इंच पे मार्क लगाना है, 1 इंच ऐसे कपड़े को स्ट्रेट कर लेना है। तो यहाँ साइड से 1 इंच मार्क लगाकर इस मार्क को स्ट्रेट कर लेना है। और अब यहाँ चेस्ट को 4 से डिवाइड करना है, तो सीना है 38 इंच, चौथा हिस्सा करेंगे 9.5 इंच, यहाँ भी चौथा हिस्सा 9.5 और यहाँ भी चौथा हिस्सा
9.5। अब यहाँ इस वाले मार्क को स्ट्रेट कर लेना है। अब यहां से हम फ्रंट माइनस करेंगे यानी कि तख्ती माइनस करेंगे। तो सीना 38 इंच है, 38 सीना में आप 0.25 इंच से लेकर 1 इंच तक तख्ती माइनस कर सकते हो। तो सीना है 38 इंच, 38 में 0.25 इंच से लेकर 1 इंच तक आप तख्ती माइनस कर सकते हो। तो मैं यहां तख्ती माइनस कर रहा हूं 1 इंच। 3/4 0.25 इंच भी करेंगे तो चलेगा, कम से कम 0.25 इंच और ज़्यादा से ज़्यादा 1 इंच 38 सीना में तख्ती माइनस करना है। तो मैंने माइनस किया 1 इंच। अब सेम यहाँ भी सीना का चौथा हिस्सा रख के तख्ती माइनस 1 इंच और इस वाले मार्क को भी स्ट्रेट कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ ये जो मार्क है इस वाले मार्क से 0.25 इंच पे मार्क लगाना है और शेप स्केल से इस वाले मार्क को शेप कर देना है। यहां से वेल्स पॉकेट का मार्क लगाएंगे। तो यहां से डिस्टेंस रखेंगे हम इसमें 0.25 इंच का, आप 1.5 इंच भी रख सकते हो, 1.5 से 0.25 इंच यहां से डिस्टेंस रख लेना है वेल्स पॉकेट बनाने के लिए। तो 0.25 इंच का डिस्टेंस हो गया। सीना 38 है तो वॉलेट पॉकेट इसमें हम बनाएंगे 0.25 इंच, इसका एक हाफ कर लेंगे 20 सेंटर, 2 में 1 सूत कम, यहां से 0.5 इंच ऊपर और यहां से 1 इंच, यहां से भी 1 इंच। अब यहाँ आना है ये जो लेंथ का मार्क है, यहाँ से 0.25 इंच 3/4 आपको ऐसे प्लस कर लेना है, 0.25 इंच यहाँ से मार्क लगा लेना है और मेजरमेंट टेप को ऐसे ही रखना है और यहाँ से दोस्तों मार्क लगाना है। ये सिंगल बटन का है, सिंगल बटन हो या डबल बटन ये मैं आपको बताऊंगा कैसे सिंगल बटन का मार्क लगेगा। यहाँ आपको लेंथ का तीसरा हिस्सा करना है, तो लंबाई है 30 इंच, तीसरा हिस्सा 10 इंच, 10 × 30 ये ऐसे मार्क लगा लेना है। और दोस्तों यहाँ से सिंगल बटन जो है यहाँ से हम ऊपर लगाएंगे, तो पहले हम पॉकेट का मार्क लगा लेते हैं उसके बाद मैं आपको सिंगल बटन का मार्क लगा कर बताऊँगा। तो यहाँ दोस्तों इस वाले मार्क को, ये जो 20 सेंटर है और ये जो स्ट्रेट मार्क है इसको मेजरमेंट करना है, ये जितना है बिल्कुल उतना ही यहाँ आपको ऐसे मार्क लगा लेना है और यहाँ से 1 इंच अंदर मार्क लगाना है पॉकेट बनाने के लिए। और यहाँ हम इसको ऐसे मार्क लगा देंगे और यहाँ से हम इसमें पेड डॉट निकालेंगे 0.5 से 0.25 इंच। तो यहाँ हम इसमें 0.5 इंच का पेड डॉट निकाल रहे हैं, चलो 0.5 इंच का भी निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये 0.5 इंच का हमने पेड डॉट निकाल दिया। और अब दोस्तों यहाँ से इसको इस वाले मार्क को ऐसे स्ट्रेट कर लेना है। और इस वाले मार्क से 2.5 इंच पे ये हमारा टेकिंग का यानी टक्स का पॉइंट आएगा। अब यहाँ से हम फ्लाप के लिए मार्क लगाएंगे, तो फ्लाप का मार्क हम इसमें 0.25 इंच लगा रहे हैं, 2 इंच भी लगा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, 0.25 से 2 इंच फ्लाप बना लेना है। बॉटम इसका राउंड रहेगा तो फ्लाप को भी राउंड कर देंगे। अब यहाँ से हम सिंगल बटन का मार्क लगाएंगे, तो इस वाले मार्क से यहाँ से 2 से 2.5 इंच ऊपर आपको सिंगल बटन के लिए मार्क लगाना है। तो यहाँ से मैं 2.5 इंच ऊपर 2.5 इंच ऊपर जो है सिंगल बटन का मार्क लगाया है मैंने 2.5 इंच, 2 इंच भी लगाएंगे चलेगा, 2 इंच से कम मत लगाना, 2 से 2.5 इंच ऊपर आप सिंगल बटन में मार्क लगा लेना। यहाँ से 0.5 इंच ऊपर एक मार्क लगाएंगे ऐसे। और अब दोस्तों यहाँ हम 1.5 इंच पे मार्क लगाएंगे, ठीक है, ये बॉटम राउंड करने के लिए हम वी कर रहे हैं। और यहाँ से इस वाले मार्क में स्केल को ऐसे मिला देना है। यहाँ से मार्क लगाएंगे 1 इंच, देखो इसका चेस्ट है 38 इंच और पेट है 35 इंच, 3 इंच का फर्क है चेस्ट और पेट में, तो यहाँ से 1 इंच मार्क लगा लेना है ऐसे। और इस वाले मार्क को यहाँ इसमें ऐसे मिला देना है।
अब दोस्तों मैं जो हिप के फार्मूला से लूजिंग बताता हूँ तो बहुत लोगों को नहीं समझ में आता है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं कि सर दूसरा तरीका बताइए। तो सबसे ईजी और सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ लूजिंग का। देखो यहाँ दो मार्क है, ऊपर वाला बैक का मार्क है और ये नीचे वाला फ्रंट का मार्क है। तो ये नीचे वाला मार्क को इसको मेजरमेंट कर लेना है, जितना भी है इसको ऐसे पकड़ के और यहाँ इस वाले मार्क पे ऐसे रख देना है और ये इस वाले मार्क तक मेजरमेंट करना है और ये जितना भी है इसको उठाकर इस वाले मार्क पे ऐसे रखना है और यहाँ चेस्ट का हाफ, सीना का आधा मार्क लगाना है। तो सीना है 38 इंच, आधा करेंगे 19 इंच, ठीक है। ये देखो ये 19 इंच, चेस्ट का हाफ 19 इंच। और यहाँ से दोस्तों मीडियम फिटिंग के लिए, रेगुलर फिटिंग के लिए यहाँ से 4.5 इंच पे मार्क लगाना है, 4.5 इंच। ये हो गया मीडियम फिटिंग यानी कि रेगुलर फिटिंग के लिए। अगर टाइट फिटिंग स्लिम फिट के लिए आप मार्क लगा रहे हो तो यहाँ से 4 इंच मार्क लगाना, मीडियम फिटिंग के लिए यानी कि रेगुलर फिटिंग के लिए 4.5 और लूज फिटिंग के लिए 5 इंच पे मार्क लगाना, ठीक है। तो मैंने आपको स्लिम फिट, रेगुलर फिट और लूज फिट तीनों फिट का तरीका बता दिया है। तो यहाँ से रेगुलर फिट के लिए 4.5 इंच पे हमने मार्क लगाया है। अब यहाँ से ये टोटल मेजरमेंट करेंगे स्टमक का, ये जितना भी है इसको ऐसे पकड़ लेना है और यहाँ इसको ऐसे रख देना है और इस वाले मार्क तक मेजरमेंट करना है, ये जितना भी है इसको उठाकर इस वाले मार्क पर रखना है ऐसे और यहाँ स्टमक का हाफ मार्क लगाना है। तो पेट है 35 इंच, 35 का आधा करेंगे 17.5 इंच, तो ये 17.5 पेट का हाफ। और रेगुलर फिटिंग के लिए यानी कि मीडियम फिटिंग के लिए इस वाले मार्क से लूजिंग का मार्क लगाना है 3.5 इंच पे, लूज फिटिंग के लिए 4 इंच पे लगाना है और टाइट फिटिंग के लिए 3 इंच पे लगाना है। हमने मीडियम फिटिंग के लिए 3.5 इंच पे मार्क लगाया है। और अब यहाँ से इसको मेजरमेंट करेंगे, ये जितना भी है इसको ऐसे पकड़ लेना है यहाँ हिप का हाफ लगाएंगे, तो हिप है 39 इंच, 39 का आधा करेंगे 19.5 इंच, ये हिप का आधा हो गया। और यहाँ से मीडियम फिटिंग के लिए 4 इंच पे मार्क लगाएंगे, 4 इंच रेगुलर फिट के लिए, टाइट फिटिंग के लिए 3.5, रेगुलर फिट के लिए 4 और लूज फिटिंग के लिए 4.5। बस इस फार्मूला को आप याद कर लीजिए, ये बहुत ही आसान तरीका है लूजिंग का। अब यहाँ दोस्तों यहाँ हमने 1.25 इंच का पेट डॉट निकाला है, तो यहाँ भी 1.25 इंच ऐसे मार्क लगा लेना है और इसको यहाँ से ऐसे मार्क लगा लेना है। अब यहाँ बैक को यहाँ इस वाले मार्क में ऐसे रख देना है और इस मार्क को और इस वाले मार्क को यहाँ ऐसे लगा लेना है। यहाँ से मार्क लगाएंगे 2 इंच और यहाँ से 2.5 इंच। और अब दोस्तों ये वाला जो मार्क है लंबाई का और ये वाला जो मार्क है इसको यहाँ इसमें ऐसे मिला देना है। ये ऊपर वाला मार्क ऐसे कट कर देना है और यहाँ नीचे वाले मार्क में इसको यहाँ ऐसे बॉटम राउंड का मार्क लगा देना है। यहाँ हम नीचे बॉटम में मार्जिन रख लेंगे, बैक में हमने 1.25 इंच मार्जिन रखा है, तो यहाँ फ्रंट में भी 1.25 इंच का मार्जिन रख लेंगे। और अब दोस्तों यहाँ आना है, यहाँ इसको मेजरमेंट करना है और इसको हाफ करके 1/2 इंच प्लस कर लेना है, इसका आधा करके 1/2 इंच प्लस कर लेना है। तो ये 8.5 है, 8.5 का आधा करेंगे ये 4.25 और इसमें 1/2 इंच हम ऐसे प्लस कर लेंगे। यहाँ आप इसको ऐसे भी हाफ करके और 1/2 इंच प्लस कर लो। अब यहाँ से 1/4 इंच अंदर एक मार्क लगा लेना है ऐसे 3/4 और अब इस वाले मार्क को यहाँ इस वाले मार्क में ऐसे मिला देना है। और इस वाले मार्क को भी
ऐसे लगा लेना है। अब दोस्तों इस वाले मार्क से आधा इंच ऊपर आपको उठाना है, यानी हाफ इंच ऊपर एक ऐसे मार्क लगा लेना है, और शोल्डर डाउन हमने 2 इंच किया था तो यहाँ 2 इंच पे मार्क लगाना है। सेम यहाँ भी आधा इंच ऐसे रखना है और शोल्डर डाउन 2 इंच, ठीक है ऐसे। और अब बैक को यहाँ ऐसे रख लेना है, यहाँ ऊपर का पॉइंट यहाँ और ये यहाँ, और यहाँ से 1 सेंटीमीटर माइनस कर देना है, 1 सेंटीमीटर कम करके लगाना है, क्योंकि यहाँ हमारा बैक में फुलनेस आएगा, यहाँ धमक देंगे हम, यानी कि हल्का नम देंगे बैक में, तो 1 सेंटीमीटर फ्रंट छोटा रखना है। यहाँ से 1 इंच ऊपर आपको ऐसे मार्क लगा लेना है। अब यहाँ दोस्तों सीना है 38 इंच, 38 इंच, तो यहाँ से आप 2.5 इंच मार्क लगा लो 38 सीना में, और इस वाले मार्क को यहाँ इसमें ऐसे मिला देना है। अब यहाँ से हम लेपल का ब्रॉडनेस का मार्क लगाएंगे, यानी कितना चौड़ा हमको लेपल रखना है, ब्रेस्ट जो है वो कितना चौड़ाई रखना है उतना मार्क लगा लेना है। तो यहाँ से हम लेपल का ब्रॉडनेस रखेंगे, लेपल विड्थ 2.5 इंच, 2.5 इंच, आप ये कम ज़्यादा कर सकते हो अपने हिसाब से। और अब इस शेप स्केल को यहाँ ऐसे रखना है और इसको इसमें ऐसे रखकर इस तरह से शेप दे देना है। यहाँ से इसमें हम पिक के लिए मार्क लगा लेंगे, तो पिक का मार्क इसमें हम बना रहे हैं 1.25 इंच का पिक, आप इसको एक सूत कम और ज़्यादा कर सकते हो, मैंने 1.25 इंच का इसमें पिक बनाया है। एक बार मैं आपको लंबाई का मार्क मेजरमेंट करके दिखा देता हूँ, ऊपर से आधा इंच सिलाई का मार्जिन छोड़कर इसको ऐसे मेजरमेंट करना है। यहाँ देखो लंबाई है 30 इंच, तो ये 30 इंच रेडी आएगा। अब दोस्तों यहाँ एक काम करना है, यहाँ क्या करना है ये देखो, यहाँ जो इसको ऐसे मार्क लगाकर और यहाँ से ऐसे एक सूत अंदर ऐसे लेते हुए इसको इस तरह से इसमें इसको ऐसे मिला देना है। तो इस तरह से दोस्तों नॉच लेपल सिंगल बटन कोट का मार्क हमारा कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लेडीज ड्रेस कटिंग और स्टिचिंग सीखना चाहते हो तो मेरा लेडीज का जो चैनल है लेडीज ड्रेस का, सुहाना फैशन स्टूडियो, आप सुहाना फैशन स्टूडियो पर सभी तरह के ऑल टाइप लेडीज ड्रेस कटिंग करना और सिलाई करना सीख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने सुहाना फैशन स्टूडियो चैनल का लिंक दिया है, वहां से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे कर देना। यहाँ से आधा इंच सिलाई के लिए मार्जिन छोड़कर इसको कटिंग करना है। यहाँ से दोस्तों 1 इंच मार्जिन छोड़कर कटिंग कर लेना है एक्स्ट्रा मार्जिन। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इसका पार्ट 2 यानी कि बाजू का कटिंग करना, स्लीव का कटिंग करना बताऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, एंड स्क्रीन के ऊपर मैं वीडियो दे दूंगा, वहां से देख लेना आप, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, वहां से भी देख लेना।